अस्सलामुअलैकुम अवैस भाई, मेरा नाम सफुल्ला है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। अवैस भाई, मैंने देखा है कि एक बच्चा है, वो पहाड़ियों में ना, जिस तरह चाइना में होती है, वो जापान वगैरह में कुंग फू सिखाते हैं ना ऊपर पहाड़ियों के टॉप पे, इस तरह वो लड़का एक वो उधर ट्रेनिंग ले रहा होता है ना, जिस तरह 15-16 समझ लें साल में, वो अभी ना सही अच्छी ट्रेनिंग कर रहा था उधर, वो स्कूल में सारे बच्चों से ज़्यादा अच्छा वो फाइट कर रहा था और वो अपने मास्टर को भी रहता है सारों को। तो उसके बाद वो तो कहीं चला जाता है उधर से ना, स्कूल से काफ़ी ट्रेनिंग लेते हैं, जिस टाइम सही मास्टर हो जाता है तो वो निकल जाता है। तो वो कहीं पहाड़ों में जाता है, उधर से कोई पावर हिडन ले के आता है ना, पर्पल कलर की पावर होती है, वो उसको खोलता है तो उसके अंदर उसकी बहुत ज़्यादा पावर आ जाती हैं। तो फिर वो आता है वापस अपने उधर इलाके में ना, तो उधर का जो किंग होता है उसके पास जाता है, तो उसके आगे ना सजदा करता है, उसको बताता है इस तरह ना कि मुझे पावर्स वगैरह मिली हैं। तो उसके बाद उसके जो बादशाह होता है ना, वो बहुत खुश होता है, तो वो उसको ना अपना जो होता है ना बड़ा ज़्यादा सामान देता है इस डब्बों में, तो पता नहीं वल्लाह आलम क्या था उसके अंदर, लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा सामान देता है ना। तो वो उसको एक सही बड़ी कश्ती होती है पुराने ज़माने वाली, 1980-1970 वाली, तो उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा सामान लोड करते हैं बहुत ज़्यादा। वो अकेला आता है उसमें कश्ती में ना, तो वो उस पावर ना वो ओवर अनलॉक करता जाता है, वो डब्बे खोलता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। उसके जो फोरहेड होता है ना माथा, उसके ऊपर 5 या 6 या सिंबल होते हैं, तो वो पावर खोलता जाता है, कश्ती चल रही होती है वो साथ साथ खोल रहे होते हैं ना, तो उसके 4 जो होती है ना ऊपर सिंबल जो है वो अनलॉक हो जाते हैं, और उनके जो सिंबल होते हैं ना वो गोल्डन कलर के होते हैं। तो उस कश्ती पे ना जब देखते हैं कि कश्ती के अंदर इतना सामान है ना, पीछे से और कश्तियाँ आती हैं, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहती हैं, वो उसे वापस चली जाती हैं। फिर एक लड़का और एक लड़की आती है, तो वो उस कश्ती के ऊपर चढ़ जाते हैं, एक राइट से आता है एक लेफ्ट से। तो जो लेफ्ट से लड़का मारता है और एक साइड से लड़की मारती है पावर अपनी, दरमियान में पावर रुक जाती है, दरमियान में हालांकि कुछ चीज़ भी नहीं होती, तो या एकदम ना वो ज़ाहिर होता है वो बंदा ना, उसने बड़ा सा ब्लैक कलर का कोट पहना होता है उस टाइम पर, तो वो जाहिर होता है। उसके बाद वो उन दोनों की पावर्स को ना हाथ में चकनाचूर करके ना पाउडर सा बना के नीचे फेंक देता है, फिर वो उन दोनों लड़का लड़की को मार देता है, मतलब दूर से ना गलत दबा के। उसके बाद उसकी ना और ताकतें अनलॉक हो जाती हैं, मतलब उसके जो पावर होती हैं वो सारी पर्पल पर्पल ना, कश्ती के ऊपर से ज़रा धुआँ आना शुरू हो जाता है पर्पल कलर का। तो जब पर्पल धुआँ आना शुरू होता है तो वो उसके ना और खुश हो रहा होता है होता है। उसके बाद वो पीछे मुड़ता है तो ना उसके चेहरे का जो 5वीं ताकत होती है ना, वो भी अनलॉक होने लगी होती है, अभी अनलॉक हुई नहीं होती। तो मैं उस टाइम देखता हूँ कि यार ये बंदा क्या चीज़ है, ये अभी आएगा तो फिर क्या हालत होगी। पर उस टाइम मेरी दिल में ये चल रहा होता है कि यार ये वो है दज्जाल है, और पानी में वो बहुत